हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाले के आरोप पर घमासान मचा हुआ है। फिलहाल ये घमासान क्यों मचा है, इसकी भी वजह है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने राम भक्तों से अपील की है कि जमीन खरीद को लेकर लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक हैं। जमीन खरीद का पूरा गणित समझाते हुए चंपत राय ने कहा कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है। 18.5 करोड़ में से 1.2 हेक्टेयर की जो जमीन खरीदी गई है उसका सौदा वर्तमान बाजार के भाव के हिसाब से किया गया है। चंपत राय ने कहा है कि आरोप लगाने से पहले तीर्थ क्षेत्र के किसी भी पदाधिकारी से तथ्यों की जानकारी नहीं ली गई है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन और सड़क के मार्ग पर बड़ी प्राइम लोकेशन पर बाघ बिजेसी नाम के क्षेत्र में 1.20 हेक्टेयर भूमि का हमने चयन किया। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजेक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित ना हो, आत्मविश्वास बनाए रखें और मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने में समय सीमा के अंदर निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। और वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने ट्रस्ट को सलाह दी है कि उन्हें आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस करना चाहिए और यह शर्त रखनी चाहिए कि वो कोर्ट में माफी भी मांगे तो उनकी नहीं सुनी जाए, क्योंकि सारे आरोप राजनीतिक कारणों से लगाए जा रहे हैं। हमने तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा डील ट्रांसपेरेंट है, वेल कंसिडर्ड है, स्वस्थ है। वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ही नहीं, राम मंदिर निर्माण में घोटाले के आरोपों से अयोध्या के साधु संत भी काफी हैरान हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा है कि इस मामले की हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर कोई दोषी है तो उस पर एक्शन हो, अगर ये आरोप झूठे साबित होते हैं तो फिर वो खुद आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह पर 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का केस करेंगे। संजय सिंह जी, अगर जांच में लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। इसके नाते 50 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद पर उंगली उठा रहे हैं, जो हिंदू जनमानस के ऊपर उंगली उठाना हुआ। इसके नाते मैं सरकार से निवेदन करूंगा, ट्रस्ट के और लोगों से निवेदन करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इधर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जमीन खरीद की जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले को सबसे पहले उठाने वाले तेज नारायण पांडे पवन ने फिर से जांच की मांग दोहराई और दूसरी ओर पूरे मामले को गरमाता देख अब कांग्रेस भी इसमें उतर आई है। कांग्रेस ने सीधा निशाना बीजेपी पर साधा है। इतने ज्यादा नहीं बढ़ गए जितना ये बता रहे हैं, उसके अगल बगल भी जमीन है, आप चाहें तो घूम के वहां जमीन का रेट क्या है लोगों से पता कर सकते हैं। ये सब के सब प्रॉपर्टी डीलर हैं और ट्रस्ट के साथ मिलकर जमीन खरीदवा रहे हैं और पैसे की बंटर बांट कर रहे हैं। पूरी अयोध्या में ये खेल पूरी मजबूती से चल रहा है और मैं इस खेल की जांच की मांग करता हूं कि इस खेल की पूरी मजबूती से जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग जमीन खरीदने में जमीन बेचने में शामिल हैं।
राम जन्म भूमि ट्रस्ट ने चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। साफ है कि भाजपा ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से एक शब्द नहीं सीख पाए। उल्टा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित हुए चंदे का घृणित दुरुपयोग, वह मंदिर की जमीन खरीदने में करोड़ों का घोटाला जग जाहिर है। 2 दिनों से चल रहे इस पूरे प्रकरण में जो अब तक साफ हो पाया है उसकी डिटेल समझनी है तो आपको यह देखना होगा कि सबसे पहले समझिए आरोप क्या है। सनसनी इस इल्जाम से फैली है कि जमीन 5 मिनट पहले 2 करोड़ की थी, वो अब 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। आपको समझाते हैं कि जमीन विवाद है क्या। असल में 18 मार्च 2021 को शाम 7:10:39 पर 2 करोड़ में डील हुई, लेकिन 18 मार्च 2021 को ही शाम 7:15:44 पर जो 18.5 करोड़ की डील हुई, 5 मिनट में वही 2 करोड़ की डील 18.5 करोड़ में कैसे तब्दील हो गई। सवाल यही उठाए जा रहे हैं जिसका जवाब ट्रस्ट ने दिया है। तो आप देख रहे हैं कि आखिरकार यह पूरा का पूरा मामला विवाद क्यों खड़ा हुआ है और जो आरोप लगाए गए हैं उसमें वक्त बताया जा रहा है। 7:10 में 2 करोड़ दिखा रहे हैं और ठीक उससे कुछ मिनट बाद ही आप देख सकते हैं कि जो कीमत है वो 18 करोड़ दिखाई जा रही है और इसी को लेकर ही लगातार सवाल उठाए गए हैं। लेकिन ट्रस्ट की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन हुआ है वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, और जब ऑनलाइन ट्रांसफर होता है तो वहां पर घोटाले की गुंजाइश कहां रहती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।